कॉफी की अच्छी रेसिपी बताओ भाई। मैं कॉफी की बहुत अच्छी रेसिपी बताऊं, जैसे कि हमें लगता है बाहर जो कॉफी होती है, हाँ। शादियों में ज्यादातर शादियों में जो कॉफी होती है वो घर में नहीं बनती हमारी। हाँ, ये क्या, ये क्यों? अंडे की जर्दी शामिल की जाती है। जी बिल्कुल, अंडे की जर्दी शामिल की जाती है, क्योंकि अंडे की जर्दी है वो कस्टर्ड बनाया जाता है, वो गाढ़ा होता है। दूध में इसको पका के अंडे की जर्दी को, तो वो दूध गाढ़ा हो जाता है, वो कस्टर्ड की फॉर्म में आ जाता है जी। और चीजें क्रीम या फिर दूसरे कंडेंस मिल्क वो नहीं डालने होते, उनको बचत करनी होती है। तो फिर इसमें इलायची डाला जाता है, दालचीनी का एक टुकड़ा डाल, थोड़ा सा जाफरान डालते हैं दूध के अंदर, बिल हाँ। वो बहुत गाढ़ा हो जाता है हाँ। फिर उसके बाद कॉफी जो होती है वो शुगर शामिल किया जाता है, तो आप कॉफी पियेंगे तो बहुत गाढ़ी और बहुत मजे की। नहीं तो कॉफी आप अलग से लाइक उबालते हैं, क्या करते हैं कॉफी? नहीं, पहले दूध की तैयारी की जाती है। दूध को थोड़ा सा ठंडा, जब दूध ठंडा होता है तो उसके अंदर अंडे की जर्दी बना, जैसे कि आप 1 लीटर अगर आपके पास दूध है तो आप 2 अदद अंडे की जर्दी डाल दें, उसी में इसको फेंट लें। फेंटने के बाद फिर चूल्हे पे आप रख दें और उसको हल्का 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 इसको पकाएंगे, तो वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा भी नहीं पक जाए अंडा? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं पकता, वो गाढ़ा पकता नहीं है। अगर सफेदी डालेंगे तो पकेगा, जैसे कि उसमें सूप में होता है, ऊपर से अंडा अंडा आ जाता है, लेकिन जर्दी से वो नहीं आता, वो गाढ़ा हो जाएगा। गाढ़ा हो जाएगा, गाढ़ा होने के बाद फिर आप इसके अंदर दालचीनी डाल दें थोड़ा सा टुकड़ा, फिर इलायची एक डाल दें, थोड़ा सा जाफरान डाल दें और शुगर भी इसी के साथ डाल दें। फिर अलग से कॉफी को फेंट कर थोड़ा सा पानी डाल के फिर उसके अंदर मिला के फिर पकाया जाता है, तो थोड़े कम अरसे में, कम टाइम में आपका कुकिंग टाइम कम हो जाता है, गाढ़ी और बहुत अच्छी मजे की कॉफी तैयार हो जाती है। ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है।